गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 16 जनवरी और आज हम 16 जनवरी से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, 15 जनवरी को हर साल भारत में क्या आयोजित किया जाता है? तो हमारे भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि इंडियन आर्मी डे पहली बार कब मनाया गया, तो उसका सही आंसर होगा 15 जनवरी 1949 को सबसे पहली बार इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और उस समय हमारी भारत सेना के सर्व प्रमुख KM करियप्पन थे। इन्होंने ही 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। और इंडियन आर्मी डे हर साल अमर जवान ज्योति, जो कि इंडिया गेट पर है, यहाँ मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जल सेना दिवस की, तो ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना दिवस की, तो ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय रक्षा दिवस की यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी की, तो इसका फॉर्मेशन 7 दिसंबर 1954 को होता है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। हमारा अगला सवाल, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह। और बात करूँ अगर कोलकाता बंदरगाह की, तो ये हमारे देश का एकलौता नदी बंदरगाह है जो कि समुद्र तट से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बात करूँ अगर बंदरगाह की, तो ये हुगली नदी पर है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने किस हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की नई डाटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है? तो हाल ही में एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और ये याचिका व्हाट्सएप के खिलाफ है, क्योंकि व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया है जिसके थ्रू जो यूज़र्स की प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसे और कंपनियों के साथ साझा करने का है। यानी कि व्हाट्सएप अब हमारा डाटा दूसरी कंपनियों के साथ साझा कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ डेटा प्राइवेसी पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत व्हाट्सएप के जितने भी यूज़र्स हैं उसका डाटा किसी दूसरी कंपनियों के साथ या किसी दूसरी अथॉरिटी के साथ ट्रांसफ़र करना इलीगल माना गया है। हमारा अगला सवाल, वह संवैधानिक अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को मोर पावरफुल बनाता है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 131। और इसी आर्टिकल के तहत केरल सरकार ने NRC के खिलाफ यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई है। और बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो इसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1937 को होता है और इसका लोकेशन दिल्ली है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा हॉलमार्किंग स्वर्ण आभूषणों की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कंज्यूमर, हॉलमार्किंग के तहत सोने के आभूषणों को कितने प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट है। जैसा कि आप इस पिक्चर्स में डिफरेंस देख सकते हैं, ये 14 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है और ये 24 कैरेट का खरा सोना है। और हाल ही में यानी कि 15 जनवरी को केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा सोने के आभूषण या फिर सोने के किसी भी प्रकार की कलाकृतियों को बेचने के लिए हॉलमार्किंग का यूज़ अनिवार्य हो गया है। यानी कि आपसे सोने के आभूषण 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में ही बेचा जाएगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के मामले में जो शहर सबसे तेजी से विकसित कर रहा है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट सबसे तेजी से हो रहा है, उसका नाम बेंगलुरु सिटी है। बात करूँ अगर दूसरे पोजीशन की, तो दूसरे पोजीशन में लंदन है और थर्ड में म्यूनिक, फोर्थ में बर्लिन और फिफ्थ में पेरिस है। और वहीं अगर 6वें नंबर की बात करूँ, तो 6वें नंबर पर वापस से भारत का एक शहर मुंबई आता है। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट लंदन की एक एजेंसी dreamroom.com ने जारी की है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और कितने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 83 तेजस की मंजूरी दे दी गई है। और ये हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर ने 10 ट्रेनर विमान और 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है।
और अगर हम बात करें इनके कीमत की तो इसकी कीमत होगी 45.7 करोड़, और अगर हम बात करें तेजस की तो ये हमारे भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीनी पिस्तौल DRDO और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, यानी कि 9 mm रिवॉल्वर का डेवलपमेंट DRDO और किसके द्वारा मिक्स रूप से हुआ है, तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के साथ। और अगर हम बात करें DRDO के बारे में तो इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात करें अगर वर्तमान की तो वर्तमान में DRDO के मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल राजनाथ सिंह जी हैं और DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी जी हैं। और बात करें अगर नीति आयोग की तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के हाथों होता है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और बात करें अगर इसरो की तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को होता है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसरो के चेयरमैन का नाम के सिवान सर है। और बात करूँ अगर योजना आयोग की तो योजना आयोग का नया नाम ही नीति आयोग है। हमारा अगला सवाल, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में कितने बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इन्होंने 36 बॉल में ही T20 कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसके पहले वेस्ट इंडीज की ड्रॉइंडा डॉटिन ने साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। और बात करें अगर सोफी डिवाइन की तो यह न्यूजीलैंड वासी है। हमारा अगला सवाल, मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है इन्हें फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। बात करूँ अगर मैं रोहिणी गोडबोले की तो इन्हें रामनाथ कोविंद जी के हाथों भी तरह तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। और बात करें अगर इनके प्रोफेशन की तो ये हाई एनर्जी फिजिक्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। हमारा अगला सवाल, भारत बायोटेक ने किस देश के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौता किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राज़ील के साथ हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौता किया है। और अगर बात करें भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बारे में तो इसे ICMR और NIV के द्वारा बनाया गया है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और बात करूँ अगर मैं ICMR की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तो इसका फॉर्मेशन 1911 में होता है और ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात करें अगर हम NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तो इसका फॉर्मेशन 1952 को होता है और इसका लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में है और इसे हाल ही में WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर भी कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो गाइज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।